तो अभी शाम का टाइम हो गया, हम अपनी मुर्गियां वगैरह अंदर करेंगे। वेल है। आगे इसे पकड़। चलो भी इतना लगा दी हमने। लेला नहीं पकड़ा। लेले की हम रस्सी खुली छोड़ देते हैं, पाँव के अंदर बांधते हैं क्योंकि गले में है तो इलाज किया था। ओए वो मार दिया बकरी ने, मार दिया और बच गई। आपको किसने कहा था तो पकड़ा गया। ले ले बकरी। हमने सारा कुछ बंद कर लिया, बकरी वगैरह भी आप देख सकते हैं। वो लेला भी बांध दिया मैंने, पैर में रस्सी बांधी है जैसे आपने मैंने बताया था, और मुर्गियाँ वगैरह भी बंद हो गई हैं। अभी इसका सिर्फ आग वगैरह जलानी है, तो इसकी लाइट क्यों नहीं ऑन? लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। लाइट तो आप देखें कैसा व्यू आ रहा है। अभी अभी बेहतरीन व्यू है, अभी भी थोड़ा सा अंधेरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा होगा तो सारा कुछ बेहतरीन दिखेगा अंदर। ये देखें, लेला भी बन गया, लेली भी बन गई, और बस दुआ करें। अब हमने क्या करना है, तीनों को गरम करने के लिए ना, ये थोड़ा सा एरिया में, इस एरिया में हमने आग लगानी है, तो वो अभी आपको वो वाला प्रोसीजर दिखाते हैं, आग किस तरह लगानी है हमने। लग गई है, देख सकते हैं आप। और अब हम देखते हैं कि हमारी मुर्गियां कहाँ पे बैठती हैं। ये भी आप देखिए। देखते नहीं है, दिखाते हैं। अभी हम दिखाते हैं आपको मुर्गियां कहाँ बैठती हैं। ये देखें, ये देख सकते हैं, रात को ना ये गोबर की पाथियों में भरा हुआ है जो लाए थे हम। ये हमने स्टॉक किया हुआ है। हाँ, ये स्टॉक किया हुआ है। ये जो पूरे बनाते रहे। हाँ, ये मतिन बताओ, ये आग आपने किस चीज से जलाई है? दिस इज कॉल्ड पाथियां। हाँ, ये गोबर की पाथियों पे आग लगाई हुई है। ये आग क्यों लगाई है ये भी बता दो। सर्दी होती है, रात को तकरीबन 16 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंचा था, फिर वो नजले वगैरह ना हो जाए ना जानवरों को, तो इसलिए हमने आग जलाई है। तो ये आग बुझ जाएगी, लेकिन इसका ना एक चीज बताता हूँ, ये पाथियां हमने क्यों जलाई है, लकड़ियां क्यों नहीं जलाई थी, ये मोस्टली ये पाथियां गोबर की, तो ये क्या होगा कि सारी रात ना ये पाथियां वो कोयले की तरह ना जलती रहेंगी और हीट इससे ना निकलती रहेगी, तो वो जो हमने हमारे बकरा बकरी और ये मुर्गियां वगैरह ना, तो वो बीमार ना हो जाए, और साथ में ये मतीन साहब ये बीमार ना हो जाए। ये भी हम भी यहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं यहाँ पे, चाय मजाक कर रहा था मैं। अच्छा, ये मतीन साहब ना हमारे जो ये भी जानवर ही हैं, ये बीमार ना हो जाए, इस वजह से इन्हों को गर्म रखना पड़ता है। तो और ये बाहर हम पर्दे लगा देते हैं, तो रात के टाइम पे ना इस जगह पे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इस बंदे को ना सुकून नहीं है, तो ये जाके ना मुर्गियों को अच्छी भली वो बैठी हुई थी उनको तंग कर। माशाल्लाह। ये हमने बच्चा लिया था और निकला अंदर से रलड़ी है, इतना ये असील मुर्गा समझ के ना, ये बच्चा लिया था जो मतीन साहब, क्या निकला? रलड़ बीच का। हाँ। इसमें गोल्डन मिश्री का भी क्रॉस है और भी काफी मुर्गियों का क्रॉस है। इसका वेट तकरीबन 3-4 किलो होना चाहिए था, लेकिन अभी इसका सिर्फ 2 किलो वजन है। इसकी उम्र कितनी होगी? ये तकरीबन 2 साल का है। पागल तो नहीं हो गया? 1 साल का है। एक साल भी नहीं हुआ इसे अभी। नहीं हुआ। ए, ये मुर्गे की जो एज है ना वो सिर्फ 1 साल है, ऑलमोस्ट उससे भी थोड़ी कम ही होगी। नहीं, वो मैंने सीखों से देखा ना, इसलिए मैंने कहा। नहीं, इसकी उम्र थोड़ी है। चलो वो देखो, बकरी खा रही है, लेकिन हमारा जो लेला है ना मियाँ साहब, मियाँ नौशीर साहब, वो शरीफ है, वो बैठे हुए सुकून से, आराम से। छोड़ दे। अच्छा अच्छा ठीक है। दरअसल ना ये मुर्गियों को हम पकड़ते नहीं है, तो इस वजह से इस तरह की हैं, एग्रेसिव नहीं है। हाँ, ये हमारी चीनी मुर्गी, चीनी कह रहा हूँ, मार रही है अभी। असील मुर्गी अपने छोटे छोटे चूजों को लेके। ये अब नीचे देखे, काके मेरे सो रहे, कहाँ गए, गायब हो गए। ये देखो भी आ गया, ये देखो, अरे कितना प्यारा है। ये असील नहीं है, एक और मजे वाली बात। ए, इस तरफ उसे पकड़ के ना उस तरफ ले जा,
उसे ना तंग कर, आराम करने दे। ले देख भाई, ये देख रहा अभी अभी मुझे मारने लग जाएगी। वो अच्छी मुर्गी है, वो नहीं मारती। ये चूजे को भी उसके मुझे काटा था बस, उसके बाद वो जख्म भरते भरते तकरीबन महीना हो गया था, फिर उसके बाद से मैंने कभी इसको छेड़ा नहीं है। लेकिन इधर ना मैं पीछे मोए मोए वाला साउंड इफेक्ट लगा दूंगा, मोए मोए रोने लग जा तू। बस ओवर एक्टिंग होगी बहुत। अच्छा तो ये हमारे कोयले तैयार हो गए हैं, ठीक है ऑलमोस्ट। ये अब जैसी आग यानी धीमी हो जाएगी बिल्कुल, कोयलों के ऊपर हम अलहदा से ये डाल देंगे ताकि बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जलें। अभी ये तो कोयले बने, ये भी जो है ना अंदर, ये जिस अभी नहीं डालेंगे बाद में डालेंगे, ये नहीं डालने की बात कर रहा, ये जो अंदर इस तरह की हो गई है ना, ये रेड रेड हो गई। अब ये सारी रात ना जलती रहेंगी, जलती रहेंगी। अब ये आग जैसी बुझ जाएगी, अभी अगर बुझाई तो बहुत ज्यादा धुआं हो जाने आके हमारी खराब हो जाएगी, फायदा कोई नहीं बुझाने का। बस अगर आप लोग भी अपने जानवरों को गर्म रखना चाहते हैं ना, तो इस तरह ये पाथियाँ बड़ी ना इफेक्टिव होती हैं। मोस्टली लोग इससे ना वो करते हैं कि यार ये पाथी हैं तो ये वो है, गंदी हैं। यार नहीं, आपके जानवरों को लाजमी है कि आपने वो कपड़े पहनाने, जानवरों को अनकंफर्टेबल करने, उससे अच्छा ये है कि साइडों पर पर्दे लगाएं, दरमियान में ये पाथियाँ दो चार जला दें, सिर्फ हवा के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दें अगर आपका कोई बंद पिंजरा वगैरह। और इसका एक और बेनिफिट है, इसके धुएं से मच्छर नहीं आते, इसका धुआं बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। हाँ, नमूनिया वगैरह से बचाता है जानवरों को। हाँ चलो आज के लिए इतना ही, इनका भी एहतमाम हो गया, ठीक है। अब शहजादे शहजादियाँ सारी रात आराम करेंगे और बकरी मोहतरमा मोटी होती जाएंगी। वो सबसे शरीफ बच्चा है, वो देखो सोया हुआ है। इसके शराफत से सब गए जाऊँ भाई।